जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। दो बार पशुपति व्रत कर लिए आपने, ये कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो बुधवार के दिन अगर शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़का जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं हमारा। जब कभी ऐसा लगे जीवन में कि मैं बहुत दुखी हूं और कष्टमय जीवन चल रहा है और कोई समस्या का हल ही नहीं मिल रहा, बहुत दिन हो गए जूझ रही हूं मैं इन समस्याओं से, फिर कहेंगे दुकान पर, सर्विस पर, नौकरी पर झूठ तुम बोले हो, कपट तुमने करा है, बेईमानी तुमने करी है, प्रपंच तुमने करा है, इसलिए ना पत्नी भोगेगी ना पुत्र भोगेगा। भोगना तो तुझे अकेले पड़ेगा, इसलिए याद रखना तेरा क्या होगा रे कालिया, स्मरण रहे आप, ऊपर जाएगा बंदी बनाकर, रोका जाएगा, रोएगा। मैंने तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए झूठ बोला था, मैंने उसका अच्छा कॉलेज मिल जाए इसलिए झूठ बोला था, मैंने बेईमानी करी तो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए करे, घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, दुकान के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, मैंने इनके लिए करा, मैंने पत्नी और बच्चों के लिए करा, मैंने परिवार के लिए करा। अगर नरक मुझे दे रहे हो तो मेरे पत्नी और बच्चों को भी दो, मेरे परिवार को भी नरक भेजो, तो परमात्मा कहेगा, यम के दूत कहेंगे, झूठ तूने बोला, बेईमानी तूने करी, छल तूने करा, कपट तूने करा, जो खाएगा पेट उसी का भराएगा, इसलिए जो बोलेगा नरक। तो जी जी हो तुम, चिंता मत करना, तुम तो चिप जूड़ा मोड़ा बांध कर डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हो, अपने कहीं करना, अपने चिंता नहीं करना हो। आज एक आयोजन में, नाट्यगृह में, वहां सभागार में पहुंचे थे, तुमने एक बात कही थी कि पूरा जमाना तुम्हारी सुनता हो, पूरे गांव के लोग तुम्हारी सुनते हो, पूरे सोसाइटी के लोग तुम्हारी सुनते हो, और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र यदि तुम्हारी नहीं सुनता तो पहली फुर्सत में शिव महापुराण में जाना चालू कर दो, क्योंकि सब सुने और पत्नी और पुत्र ही तुम्हारे कहने पर नहीं चले तो वो मनुष्य का जीवन बेकार है। फिर राम नाम गाओ, शिव नाम गाओ, भगवान का भजन करो और उसका गुणगान करो। जब पत्नी और बच्चे ही तुम्हारा, दूसरे से कहा उसने सुन लिया, मोहल्ले वालों से कहा उसने सुन लिया, कॉलोनी वालों से कहा उसने सुन लिया, समाज के लोगों से कहा उसने सुन लिया, पूरे गांव के लोगों से कहा उसने सुन लिया, सब तुम्हारा कहना मानते हो, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र अगर कहना नहीं मानता तो जीवन का सब बेकार। मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़ी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है, उसका महत्व पार्वती खंड के अंतर्गत शिव महापुराण में कहा गया कि माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि इस एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है। पार्वती जी ने जब पूछा तो शिव जी ने कहा, देवराज ब्राह्मण की कथा लोटा जल चढ़ाने का फल बताती है कि देवराज ब्राह्मण चोर था, चोरी करता था, धन चुरा कर लाता था, गलत कर्म में लगा रहता था, कभी उसने जीवन में अच्छा काम नहीं करा, पर शंकर जी के मंदिर में मरते समय, मरने से पहले शिव जी के मंदिर में पहुंचा, शंकर जी के मंदिर में जाने के बाद शिव जी के मंदिर से बाहर निकला, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है तो पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, जब देवराज चोर था, गलत काम करता था, बेईमानी करता था, प्रपंच करता था, छल करता था, बेकार काम करता था, तो देवराज शिव मंदिर कैसे पहुंच गया। व्यक्ति अच्छा काम करता है तभी तो शिव महापुराण में पहुंचता है, जो बेकार काम करेगा तो शिव पुराण तक कैसे जाएगा, शिव मंदिर तक कैसे जाएगा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती देवराज ब्राह्मण की जो माँ थी
उसका नियम था एक लोटा जल प्रतिदिन जो भी शंकर का मंदिर घर के पास था वहां जाकर चढ़ाती थी। उस जल का प्रताप ये रहा कि मरने से पहले चोर बेटा भी शंकर के मंदिर पहुंच गया और प्राण छूटने के बाद शिव के धाम चला गया। ये लोटा भर जल जब कभी ऐसा लगे जीवन में कि मैं बहुत दुखी हूं और कष्टमय जीवन चल रहा है और कोई समस्या का हल ही नहीं मिल रहा, बहुत दिन हो गए जूझ रही हूं मैं इन समस्याओं से, तो बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत जो बेलपत्री का बड़ा वृक्ष हो उसकी जो जड़ हो उस जड़ पर लाल चंदन घिसकर या लाल चंदन से कटोरी में घिसकर लेकर जाए, शिवजी पर लाल चंदन से पूजन करने के बाद में उसी चंदन को लेकर आकर बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत ओम अक्षर का ओम अक्षर को लिखकर एक बेलपत्र अपनी कामना करकर उस जड़ पर बेलपत्री के समर्पित करना। पहले कथा में कहा है कि बेलपत्री कोई साधारण सा वृक्ष नहीं है, इसको केवल साधारण मत मानना, ये कोई सादा सा वृक्ष नहीं है। बेलपत्री की जड़ में ओम शब्द लिखकर अक्षर लिखकर उस पर एक बेलपत्र समर्पित कर शिव जी से अपनी कामना कर जो प्रदोष के दिन प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री के वृक्ष की पूजन कर ये नाद कर ओम अक्षर का नाद कर स्मरण कर आता है। ज्यादा से ज्यादा कहेंगे तो चार दिन पांच दिन में या छह दिन में मेरा देव अधिदेव महादेव जो समस्या और टेंशन जिंदगी में चल रहा होता है उससे थोड़ा बहुत तो निजात मेरा देव अधिदेव महादेव उसी समय करना प्रारंभ कर देता है। शिव कृपा होने लगती है। पर चंदन लगा होना चाहिए शिवलिंग पर, पहले शिवलिंग पे चंदन लगाना है उसके बाद लेकर जाना। कौन से दिन जम के बोलो जरा, प्रदोष समय प्रदोष काल। लग रहा है कि जूझ रहे हैं हमारे जीवन में बहुत बहुत टेंशन बहुत समस्या, तब ओम अक्षर का नाद मूल होना चाहिए। आप में से कितने लोग शिव मंदिर जाते हैं, सभी लोग जाते हैं ना, तो शंकर जी के मंदिर जाते हैं तो आप जब वापस लौट कर आते हैं तो नंदी के कान में जब हम नंदी से कुछ कहते हैं, आप लोग जब वापस लौट कर आते होंगे तो नंदी से कहकर आते होंगे ना कुछ ना, तो जब हम नंदी से कुछ कहकर आते हैं आपने देखा होगा कई लोग नंदी के कान में कुछ कहते हैं, फिर नंदी का जो सिंह होता है उस सिंह के बीच में से शिवलिंग का दर्शन करते हैं। तो नंदी को जब कोई बात कही जाती है, नंदी से जब कुछ कहा जाता है कि हमारी बात शिवजी तक पहुंचाना, तो उसमें सबसे पहला अगर नाद करा जाता है नंदी के कानों में तो ओम का नाद करा जाता है। आप सीधे जाकर अगर कहेंगे नंदी को कि हमारी ये बात है आप वहां तक पहुंचा देना, तो नंदी उस बात को कहे चाहे नहीं कहे, पर जब आप नंदी के कान में ओम कहने के बाद में अपने हृदय की बात कहते हैं तो जैसे एक पत्र आपने भेजा और पत्र को तुमने लिफाफे के अंदर रख दिया, रखने के बाद में तुमने एड्रेस भी लिख दिया, समझ लेना बहुत अच्छे से, एड्रेस लिखने के बाद में तुमने अपना मोबाइल नंबर भी लिख दिया, सब कुछ कंप्लीट करते। अब इस लिफाफे को तुमको भोपाल भेजना है सागर से और तुमने ले जाकर इस लिफाफे को डाकघर के डब्बे में डाल दिया, लिफाफा जाएगा जम के बोली, एड्रेस पूरा लिखा है, पीछे तुम्हारा नाम भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी लिखा है, सब कुछ लिख दिया, पर लिफाफा जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उस पे टिकट चिपका नहीं है,
पंद्रह पैसे का, दस पैसे का, पच्चीस पैसे का, या एक रुपए का, या दो रुपए का, उस पे अगर कोई टिकट चिपका होता फिर आप उसको डालते तो जाता कि नहीं जाता? चले जाता। ये ओम सनातन धर्म के अंतर्गत जितने भी मंत्र होते हैं, जितने ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण करते हैं, जितने ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसमें ओम का नाद क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे श्लोकों को, हमारे शब्दों को, हमारे दिल की बात को टिकट का काम कर परमात्मा तक पहुंचा देता है। ये ओम अक्षर, ओम शब्द, ओम नाद। वहां तक कभी कभी बेलपत्र देखना, जब बेलपत्र आप समर्पित करते हैं तो ऊपर वाली जो पत्ती होती है उस पे ओम लिखते हो। कई किसी किसी को लिखते हुए देखा होगा, चंदन से, पीले चंदन से, लाल चंदन से, सबसे मूल तीन पत्तियों में बीच वाली जो पत्ती है उस पे ओम लिख दिया, फिर इधर वाली में लिख दिया नमः, इधर वाली में लिख दिया शिवाय। कभी आपने देखा कि इधर वाली पत्ती में ओम लिखा हो, इधर में नमः लिख दिया हो, इधर में शिवाय लिख दिया? नहीं, लिखने वाला लिखेगा, क्योंकि जो विद्वान होता है, चतुर होता है, जिसमें विद्वत्ता होती है, वो सबसे ऊपर वाली पत्ती में ही ओम लिखेगा, क्योंकि उसको मालूम है ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है और ऊपर शिव है। इन दोनों का समावेश ओम में है, इसलिए वो सबसे पहली पत्ती में ओम ही लिखता। ना, ना, ना। देवराज के प्राण छूट गए। शिव मंदिर से आया, चोरी करने वाला देवराज प्राणों को छोड़ा। एक लोटे जल की महत्वता जानकर माता, उनकी देवराज की मां जो जल चढ़ाती थी, उसका फल ये मिला कि देवराज के प्राण जहां छूटे वहां कोई दूसरा वृक्ष नहीं था, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छूटे। सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत आज भी किसी का अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हैं, अर्थी को लेकर जाते हैं, तो एक जगह पर अर्थी को रोका जाता है, उतारा जाता है। इधर उतारते कि नहीं उतारते वो हमको मालूम नहीं, पर शास्त्र रीति करती एक जगह अर्थी को रोक देते हैं, उतार देते हैं, अर्थी को नीचे रख देते हैं। कुछ देर के लिए अर्थी ले जाने वाले भी वहां पर बैठ जाते हैं। किसी से पूछा, कोई विद्वान से पूछना, जो गांव का पुरातन व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो, उससे पूछो कि ये संस्थान जाते समय अर्थी को बीच में क्यों रोक दिया, इस अर्थी को यहाँ क्यों रोका गया, अर्थी रोकने का कारण क्या था, क्यों कहा यहाँ अर्थी को उतारो, यहाँ उतारा करना, अर्थी को उतारना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा, रखने के बाद लोग चार पांच पत्थर बीनते हैं, फिर उधर फेंक देते हैं, बैठ जाते हैं, क्यों, किस लिए, क्या कारण क्या है? उसको मालूम होगा तो वो जरूर बताएगा कि शिव महापुराण के अनुसार देवराज के प्राण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे थे, इसलिए शास्त्र रीति कहती है जिस मुर्दे को लेकर जाते हैं, कोई बेलपत्री का पेड़ जो गांव में होता था उसके नीचे अर्थी को थोड़ी देर रख देते हैं तो उस जीव आत्मा को कैलाश धाम पहुंचा दिया जाता है जो उस पर बंधे। अब आज के जमाने में तो बेलपत्री का वृक्ष एक निवेदन सबसे करेंगे, मौका मिले जीवन में, अगर मौका मिले वृक्ष लगाने का, तो जिस मार्ग से अर्थी निकल कर जा रही हो, शमशान जा रहे हो और बीच रास्ते में दोनों तरफ अगर मौका मिल जाए तो कहीं एक अगर बेलपत्री का वृक्ष लग जाए और उस बेलपत्री की छाया उस मुर्दे पर और अर्थी ले जाने वाले पर पड़ जाए तो वो स्वयं ही शिव के धाम पहुंच जाते हैं। उसको पहुंचाने की जरूरत कभी मौका नहीं। जहां देवस्थान हो, जहां देवताओं के स्थान हो, शिव के मंदिर बन रहे हो, शंकर मंदिर का विस्तार हो रहा हो, कहीं भगवान देवता विराजमान हो रहे हो, तो मेरा वहां पर वहां के ट्रस्टियों, वहां के समिति वाले उनसे निवेदन है कि आपके बगीचे में बेलपत्री के जितने ज्यादा से ज्यादा वृक्ष होंगे
और जीव का कल्याण करने वाले।